आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है कैनवा। मार्केट में भी ये ज़्यादा नया है, माने कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे अभी आए हुए, लेकिन बहुत ही कम टाइम पीरियड में इसने बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी गेन करी है। क्यों गेन करी है? क्योंकि सिंगल एप्लीकेशन, माने एक इस सिंगल एप्लीकेशन में आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं सोशल मीडिया, माने कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन पे जो भी चीज़ें अपलोड करी जाती हैं उनके थंबनेल बनाना, एड्स बनाना, ये सारी चीज़ें, वीडियोस बनाना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो वीडियोस अपलोड करी जाती हैं आप वो बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स को प्रिंट करना, माने आप जैसे टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग होती है, कप्स पे प्रिंटिंग होती है, उनकी डिज़ाइंस को यहाँ से बना सकते हैं। मार्केटिंग के लिए अगर आपको कोई चीज़, कोई फैम्फलेट डिज़ाइन करना है तो यहाँ पर ऑफिस के पर्पज़ से, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, जैसे देखिए रिपोर्ट बनाना, प्लानर बनाना, कॉमिक स्ट्रिप बनाना, बिजनेस का प्रपोजल बनाना, किसी क्लास का शेड्यूल बनाना, कॉन्सेप्ट मैप, एल्बम कवर, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, टैक्स बनाना, यूट्यूब का इंट्रो हो गया, फ्लायर हो गया, ई बुक का कवर हो गया, लेसन प्लान, प्रोग्राम, ब्लॉग का ग्राफिक, बुक मार्क, फ़ोन का वॉलपेपर, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वेबसाइट्स का लेआउट कि आपकी वेबसाइट पे फ्रंट पेज, बैक पेज, या फिर कोई भी लिंक अगर काम कर रही हो तो किस तरीके की पोस्टर, लैंडस्केप मोड पर भी और आपके पोर्ट्रेट मोड पर भी, वर्कशीट्स हो गई, कैलेंडर्स हो गए, जूम की अगर वर्चुअल बैकग्राउंड, जूम पे आप क्लासेस लेते हैं तो उसका एक पीछे बैकग्राउंड शो करे वो सब बनाना, मैगजीन के कवर्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, बुक कवर हो गए, ग्राफिक्स हो गए, डेस्कटॉप का वॉलपेपर, मोबाइल का वॉलपेपर, फोटो कोलाज, इन्फोग्राफिक एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर हम जिनको बना सकते हैं। और अगर आपके पास अपना खुद का साइज है कि माने आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं बनानी, बस डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए आप आपका कस्टम साइज का ऑप्शन पिक करके कस्टम साइज को आप बना सकते हैं। देखिएगा जरा हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे या फिर बिना डाउनलोड काम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे। आप अपना वेब ब्राउजर ओपन कराएंगे, अगर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टाइप करेंगे कैनवा डाउनलोड। जैसे ही कैनवा डाउनलोड करेंगे, सबसे पहली जो वेबसाइट, आपने वेब स्टोर ओपन किया, टाइप किया कैनवा डाउनलोड, पहली वेबसाइट मिली www.canva.com, आ रहा है कैनवा फॉर विंडोज डेस्कटॉप, विंडोज़ के डेस्कटॉप के लिए आपको डाउनलोड करना है। आपने क्लिक किया, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप पिक करोगे स्टार्ट डाउनलोड। जैसे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोडिंग शो होने लगेगी। फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को जिस तरीके से रन कराया जाता है आप उसे रन करा देंगे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, और वो आपका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर लोड हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आप अपने मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल पे इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे कैनवा, वहां से आप कैनवा को डाउनलोड कर सकते हैं। माने मोबाइल पर भी, एंड्रॉयड मोबाइल पर, विंडोज पर और एप्पल के प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ये तो हो गया डाउनलोड करने का तरीका। बट आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, ऑनलाइन काम करना चाहते, तो टाइप करेंगे कैनवा, ऑप्शन में देखिए पहली वाली वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा आ रहा है एडी, माने इसमें एड्स आएंगे, तो आपको जाना है दूसरी वाली पे www.canva.com, ओपन करा देंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, अब आपको केवल काम करना है तो लॉगिन करा देंगे। आप अगर ऑलरेडी आईडी आईडी बना चुके होंगे तो साइन अप करा देंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे और अपना काम को कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर को लोड कर रखा है। लोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जिसमें हमें अपनी मेल आईडी को लॉगिन कराना पड़ता है। कैनवा एप्लीकेशन इंटरनेट पर ही चलता है, माने अगर हमारा सिस्टम, हमारा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो हम कैनवा एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर लोड कराया, उसके बाद रन कराया, रन कराने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी लॉगिन करानी होगी। मेल आईडी लॉगिन कराने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सारे ऑप्शंस को एक तरफ से देखिएगा, पहला है रिकमेंडेड फॉर यू, माने कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड की जा रही हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑल योर डिज़ाइंस, माने आपने इस पर जो भी काम किया होगा वो सारे काम आपको यहाँ पर शो करेंगे कि ये सारे काम आप यहाँ पर बना चुके हैं। अगला है शेयर्ड विथ यू, माने आपके साथ या आपने अपनी डिज़ाइंस को किसी के साथ शेयर किया होगा तो वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। ब्रांड किट, माने आपने अगर कैनवा को परचेज किया होगा, देखिए कैनवा ओपन सोर्स है, माने कोई भी इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है, फ्री में काम भी कर सकता है, बट कुछ जो चीज़ें होती है, स्पेशल चीज़ें होती हैं, वहाँ पर वो लोग अपना एक वाटर मार्क लगा के देते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखा हो, काइन मास्टर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो एडिटिंग के ऊपर वो लिख देता है काइन मास्टर, इस तरीके से कैनवा भी है। ये भी कुछ इमेजेस में, कुछ बैकग्राउंड्स पे अपने अपने आप को भी प्रमोट करता है, अपना वाटर मार्क लगा देता है। लेकिन अगर आपको वाटर मार्क नहीं चाहिए, अपने काम को प्रोफेशनल लुक देना है, तब आप इसके अपग्रेड वर्जन को भी खरीद सकते हैं। तो आपको ये वाटर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, कुछ ब्रांडेड कलर्स मिलेंगे यहाँ पर, और कुछ आपको ब्रांडेड फॉन्ट भी अपलोड करके लोग देते हैं। क्रिएट अ टीम, माने आप कैनवा पर अपनी एक टीम बनाना चाहते हैं, उस टीम का नाम दीजिए, उसका लोगो अपलोड करिए और बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं।
ऑल योर फोल्डर्स, आपने जो भी काम किया होगा, ऑल योर डिजाइंस, लाइक्स, परचेज, ट्रैश, अपलोड, शेयर विथ यू, जो भी आपके फोल्डर्स होंगे उनकी सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे। ट्रैश, आपने कोई भी चीज़ अगर डिलीट करी होगी, इमेजेस होंगी, वीडियोज होंगी, तो वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगी। सबसे नीचे है ट्राई कैनवा प्रो। जैसे हर सॉफ्टवेयर का प्लैटिनम चलता है, वीआईपी वर्जन चलता है, इसी तरीके से इसका भी है कि आप इसको भी प्लैटिनम या प्रो वर्जन को खरीदिए तो कुछ और ऑप्शंस होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है फॉर यू, कुछ आपके पास बनी बनाई डिजाइंस हैं, आप उन डिजाइंस को यहाँ से पिक कर सकते हैं, किसी भी डिजाइन को ले जाइए, जो भी आपको करना वो करिए। वीडियोज बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी, देखिए जरा प्रेजेंटेशन। देखिए कैनवा हिट इतना क्यों है, इसीलिए हिट है क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पहले से ही टैम्पलेट बना कर रखता है। टैम्पलेट क्या होता है, टैम्पलेट एक प्री डिज़ाइंस डिफॉल्ट डिज़ाइंस होती हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं, इन डिज़ाइंस को हम लोग पिक कर लेते हैं। देखिएगा जरा कैसे, यहाँ पर देखिए टॉकिंग प्रेजेंटेशन, मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का एक साइज हो गया, क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको एक खूब सारी यहाँ पर टैम्पलेट शो करेंगी, देखिएगा अभी थोड़ी देर में, ये रहें यहाँ पर आपके पास अलग अलग टैम्पलेट हैं। जिस भी टैम्पलेट की स्टाइलिंग आपको पसंद आ रही है उस टैम्पलेट को आप सेलेक्ट करिए, उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उनको एडिट करिए और अपने नाम से अपलोड कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर कोचिंग फॉर सक्सेस लिखा, ये आपको अलग अलग तरीके की, ये पहला पेज, दूसरा पेज, आप टोटल अप्लाई 19 पेजेस हैं, यहाँ पर आपके पास 19 पेज की प्रेजेंटेशन है। आप जिस भी पेज को चाहते हैं, जिस तरीके की चाहते हैं, आपके पास ये आ गया। अब आपको इसमें जो भी एडिटिंग करनी है, इसको चेंज करना है, ये जो नीचे लिखा है इसको चेंज करना है, इनमें एनिमेशंस लगाने हैं, एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और ऑप्शन पिक कर लेंगे डाउनलोड का, ये आपकी पीसी पर डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आ रहा है, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप, पीएनजी लगा सकते हैं, जेपीजी लगा सकते हैं, पीडीएफ में प्रिंट करा सकते हैं, MP4 वीडियो, माने आप इसकी वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ब्लिंकिंग हो रही है, या फिर ये जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को भी हम लोग यहाँ से मूव करा सकते हैं, माने टेक्स्ट पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए एप्लीकेशन, जैसे इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना हो, फेसबुक का पोस्ट, इंस्टाग्राम की स्टोरी, वो भी मूवेबल, माने मूव होगी, आपकी किसी भी स्नैपचैट या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्टोरी, फेसबुक पे जो आपका अगर पेज हो उस पेज का कवर, टिकटॉक की वीडियो, हालांकि टिकटॉक तो बैन हो गया, YouTube का थंबनेल, आप YouTube पे अगर वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप YouTube का थंबनेल भी बना सकते हैं। देखिएगा जरा, जितनी तेज आपका इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी ही जल्दी ये सारी चीज़ें आपकी अपलोड हो जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी YouTube का थंबनेल पिक कर सकते हैं, जैसे मानिए ये वाला पिक किया। अब इस थंबनेल में आपको जो भी अपडेट करनी है, योगा फॉर बिगनर्स, ज्वाइन द क्लासेस, आप अपना यहाँ लोगो चेंज कर दीजिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी आपका योगा क्लासेस हो उन सभी को करिए। कलर्स में चेंजमेंट करना हो, एनिमेशन अप्लाई करना है, किस तरीके का एनिमेशन, सबसे पहला ऑप्शन है नन, दूसरा है ब्रीथ, कुछ इस तरीके के आपको एनिमेट करके दिखाई देगा, क्लिक करिए जरा इस पर, फेड, ये देखिए सब अलग। जिनमें ये सिंबल्स बने होते हैं, ये सिंबल्स प्रो वालों के लिए होते हैं, माने जिन्होंने इसको परचेज किया होगा उनको ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके से यूट्यूब के थंबनेल बनाना, वीडियोस बनाना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, फेसबुक के वीडियो, वीडियो से अगर आपको कोई मैसेज प्रोवाइड कराना हो, मोबाइल वीडियो, वीडियो का अगर आपको कोलाज बनाना है, वीडियो यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो ऐड देना चाहते हैं, सोशल फीड वीडियो ऐड, स्लाइड शो वीडियो ऐड, यूट्यूब की वीडियो हो गई, लिंक्डइन वीडियो ऐड, टिकटॉक एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। मार्केटिंग से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, पोस्टर्स बनाने हैं, लोगो बनाने हैं, लोगो में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हालांकि लोगोस बनाने के लिए, डिज़ाइंस बनाने के लिए हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है कोरल ड्रॉ। आप कोरल ड्रॉ नाम के सॉफ्टवेयर पर जाके भी इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी क्योंकि टैम्पलेट्स वहाँ पर बने बनाए नहीं मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें टैम्पलेट्स बने बनाए मिलते हैं। जैसे देखिए कोई भी टैम्पलेट आप सेलेक्ट करिए, नहीं यही पहला वाला पिक किया, देखिए इस पहले वाले में ऊपर यहाँ पर एक एरो भी, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल का मतलब है ये एनिमेटेड है, इसमें एनिमेशन चलेगा। आप इस पर क्लिक करिए, अब जो भी आपको लिखना है इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अपना जो भी एडिटिंग करनी है, आपको और लोगोज में चेंजमेंट करना है, जैसे ये एक लोगो है, इस लोगो में आप ये ऊपर वाला टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले की स्टाइलिंग, यहाँ पर अपनी टैगलाइन जो भी लिखनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से आप यहाँ पे आराम से चेंजमेंट करिए, अपडेट करिए और देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। मोर पर आए या फिर कस्टम साइज पर आ गए, यहाँ पे आप साइज दे दोगे जिस भी साइज की आपको डिज़ाइन बनानी है। जो डिज़ाइंस आपके पास होंगी वो इस तरीके से होंगी,
फेस्टिवल ऑफ कलर्स, प्रेजेंटेशंस आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई हैं, लोगोस, पोस्टर्स, इन पोस्टर्स में भी आप आराम से चेंज इवेंट करिए, जैसे वी आर हायरिंग है, अनाउंसमेंट के लेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जैसे हम लोग वर्ड पर जाके रिज्यूमे बनाते हैं, वो रिज्यूमे सीवी अब बहुत ज़्यादा पुराने तरीके के हो गए कि आपने सीधे टाइप कर दिया और काम खत्म हो गया। यहाँ पर आप रिज्यूमो को भी बना सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी स्टाइलिंग से। हालांकि विंडोज़ में जो अब हमारे पास एमएस ऑफिस के वर्जन आ रहे हैं 13 के, 10 के, उसमें भी ऑप्शंस वहीं पर अवेलेबल करा दिए गए, बट यहाँ पर कैनवा आपको अलग से इन सारे चीज़ों का ऑप्शन देता है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप आइए, टाइप करिए आप क्या बनाना चाहते हैं। हमने यहाँ लिखा रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप आके सिंपली टाइप कर देंगे रिज्यूमे। देखिए आ गया रिज्यूमे भी अलग अलग तरीके के, मिनिमलिस्टिक, कोलाज, स्कॉलरशिप, रेस्टोरेंट। तो हमने फिलहाल पिक किया केवल रिज्यूमे, जिसके अंदर हमें सब मिलेंगे। देखिए ये आपके पास बनी बनाई प्री डिफाइल्ड स्टाइल्स आ रही हैं, आप किसी भी स्टाइल को पिक करके अपने रिज्यूमे को बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। यहाँ हमने कैफे से नहीं बनवाया है, हमने खुद अपने रिज्यूमे बनवाया। रिज्यूमे कैफे से बनवाने में और खुद से बनाने में डिफरेंस होता है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो सब एक ही रिज्यूम के लिए, सबके लिए वही चलती है, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर क्या, आप कोई भी स्टाइल पिक करिए आराम से और इस स्टाइलिंग को बस फॉर्मेट करिए, एडिट करिए। एडिट करने के बाद आपका रिज्यूमे सबसे अलग दिखेगा। अपनी फोटो अपलोड करिए, नाम चेंज करिए, अपने बारे में, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा। फॉर्मेट चेंज करना है, आप यहाँ से फॉर्मेट्स में भी चेंजमेंट कर सकते हैं। लिखे वाले को सेलेक्ट करेंगे तो जैसे वर्ड एक्सेल पे हम लोग को ऑप्शंस मिलते हैं, फॉन्ट में चेंजमेंट, फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज को कम करना है तो यहाँ से, बढ़ाना है तो यहाँ से, प्री डिफॉल्ट साइज देना चाहते हैं तो यहाँ से। साइज का माने जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर में चेंजमेंट, उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसका अलाइनमेंट चेंज करना, बुलेट्स अप्लाई करना, लाइन स्पेसिंग माने कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है उसको मैनेज करना, इस पर जो इफेक्ट्स अप्लाई हैं उन इफेक्ट्स को देखना। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, आप अलग अलग टेक्स्ट के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें अगर कर्व में ले जाना है तो कर्व कर सकते हैं। मोर ऑप्शन, अंडरलाइन करना है सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस। रिज्यूमे को एनिमेट करना है, फिलहाल यहाँ पे तो एनिमेशन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। पोजीशन माने जैसे पेज पर बैकवर्ड है, फ्रंट है, फॉरवर्ड है, ये सारी चीज़ें। कलर्स में चेंजमेंट करना है, स्टाइल को कॉपी करना, ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करना। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, 100%, 20% माने कितनी ज़्यादा वो डार्क दिख रही है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। इस पर्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक करना, किसी जीमेल से लिंक करना, इसको लॉक कर देना और इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेना। जो भी ऑप्शंस अप्लाइड हैं उसको हटाना, डिलीट करना, तो इस तरीके से वो डिलीट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पर डाउनलोड है, शेयर लिंक माने आप इस चीज़ की लिंक शेयर करना चाहते हैं, इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसे प्रेजेंट के साथ साथ रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं, माने आपको कैनवा रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इंस्टाग्राम पर बिजनेस स्टोरी बनाना, फेसबुक का पेज मैनेज करना, ट्विटर का हैंडल, ईमेल आईडी, फेसबुक ग्रुप, गूगल ड्राइव, इंस्टाग्राम सी ऑल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, मेल क्लेम, पिंट्रेस्ट, लॉक्डइन सॉरी लिंक्डइन की प्रोफाइल हो गया, लिंक्डइन का पेज हो गया, स्लैक, टर्मनेल, एम्बेडेड वेबसाइट। देखिए वेबसाइट बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि आदमी को पता ही नहीं है वेबसाइट को बनाया कैसे जाता है, उसमें फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, कौन सा लेआउट हमें लेना होता है, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत आसानी से फिक्स किया गया। जैसे यहाँ पर आ रहा वेबसाइट, आप वेबसाइट पर आइए, अब आपको वेबसाइट के बने बनाए लेआउट मिलेंगे। आप जिस भी लेआउट से बनाना चाहते हैं, जिस भी तरीके की वेबसाइट है आपकी, उस तरीके की वेबसाइट को आप पिक कर सकते हैं। जैसे हमने यही पहली वाली पिक करी। अब देखिए इस वेबसाइट के 5 पेजेस हैं, आपने कर दिया अप्लाई ऑल 5 पेजेस, तो आपके 5ों पेजेस अप्लाई हो गए। न्यू पर जाते जाइएगा, आपको देखिए यहाँ पर नीचे दिखने लगा होगा। अब यहाँ पर लिखा है स्टार्ट फोर्ड अकाउंटिंग, तो हमें यहाँ पर मान लीजिए स्टार्ट फोर्ड हटाना है, हमने स्टार्ट फोर्ड को सेलेक्ट किया और कर दिया डिलीट। इसके बाद अकाउंटिंग, ये रहा हमारी वेबसाइट का पहला पेज, ये लोगो है, इस लोगो को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए टैम्पलेट्स वाला सेक्शन यहाँ पर है, आपको ये इस वाले ऊपर वाले ऑप्शन में टैम्पलेट्स मिलती हैं। उसके बाद अगला सेक्शन होता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में आपको अलग अलग चीज़ें जैसे बैकग्राउंड्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वाइट बैकग्राउंड हो गए, ये सारी कुछ वो लोग खुद पिक करते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। आपने जो हाल में ही इस्तेमाल किए होते हैं वो रिसेंटली यूज़ में होते हैं कि आप इन चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसी के नीचे ऑप्शन है लाइन एंड स्पेस, आपको लाइनिंग बनानी है, स्पेस बना सॉरी शेप्स बनाने, तो आप कोई भी स्पेस सॉरी कोई भी शेप को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये वाला शेप आपने इसको यहाँ पर लाके ड्रॉ कर देना है, क्लिक करेंगे ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगा कुछ इस तरीके से।
अब आप इस शेप को ले तो आए, अब इस शेप की कलरिंग जरूरी थोड़ा है, जो कलर यहाँ पर होगा वही कलर हमें पसंद होगा, तो इसको आपने यहाँ पर फिक्स किया और यहाँ पर कलर वाला सेक्शन आ रहा है। जो भी कलर आपको लगाना है वो कलर आउटलाइन में चला गया, जो कलर आपको फिलिंग में लगानी है फिलिंग में आ गया, जो कलर आपको वहाँ पे चेंज करना है इस तरीके से। पोजीशन इसकी चेंज करनी है माने अकाउंटिंग के ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा, या जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसके पीछे जाएगा, तो पोजीशन पर आएंगे। फॉरवर्ड माने ऊपर, बैकवर्ड माने पीछे, टॉप माने ऊपर की ओर, लेफ्ट माने लेफ्ट में, मिडल माने बीच में, बॉटम माने बॉटम, सेंटर या राइट। तो अलाइनमेंट आप पिक कर सकते हैं। स्टाइलिंग कॉपी करनी है, ट्रांसपेरेंसी को लिंक करना है, लॉक करना है, डुप्लीकेट करना है, डिलीट करना है, अभी देखा था। एलिमेंट में हमारे पास और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्राफिक्स हैं, अलग अलग ग्राफिक्स, जैसे इस वाले ग्राफिक के आगे प्रो लिखा है तो इस ग्राफिक को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिन ग्राफिक्स के आगे फ्री लिखा है उन ग्राफिक्स को हम लोग अपनी साइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी को। अपलोड्स माने आपके यहाँ पर कैनवा पर कुछ फोटोज होती हैं बट कुछ फोटोज नहीं हैं, जैसे आप ही की फोटो नहीं है, आप यूट्यूब के थंबनेल पर लगाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर आके अपलोड करना पड़ेगा ना, तो आप अपलोड मीडिया पर आएंगे और यहाँ से जो भी इमेज चाहिए होगी उसे सेलेक्ट करा के अपलोड कर देंगे। वीडियो को होगा तो वीडियो और ऑडियो, इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करा सकते हैं। फोटोज़ कुछ प्री डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ कैनवा में ऑलरेडी डाउनलोडेड होती हैं, उन डाउनलोडेड फ़ोटोज़ को आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सिंपली टाइप करिए बैकग्राउंड, तो अब आपको अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड्स मिलेंगे। जिस बैकग्राउंड के आगे ये बना होगा वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट माने आपको यहाँ पर कुछ और लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऊपर हेडिंग्स आती हैं, मेन हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई, बिट ऑफ बॉडी। इसके अलावा आपको कुछ बनी बनाई डिजाइन्स मिलती हैं, जैसे ये सब आपको मेहनत नहीं करनी है, बस सीधे से इनको पिक करना है, जैसे हमने वाला पिक किया एंजॉय वाला, ये आ गया, डबल क्लिक करिए, सिलेक्शन हुआ, एंजॉय को हटाकर आपने जो भी लिखना है वो आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। साइजिंग को आप इस तरीके से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप साइज को यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, जब ये वाला पॉइंटर आएगा आप इसे ड्रैग करा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके के टेक्स्ट की साइज को भी फिक्स कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन से, बढ़िया डिजाइन से। यहाँ पर बैकग्राउंड वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर हमें अलग अलग बैकग्राउंड्स अवेलेबल होंगे, उन बैकग्राउंड्स को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, किसी पर्टिकुलर तरीके का बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड पर आए, जैसे आपने लिख दिया क्रिसमस, तो यहाँ पर अब बैकग्राउंड क्रिसमस में क्या होती है, लाइटिंग आइटिंग होती है, तो उससे रिलेट करते जो भी बैकग्राउंड्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मोर वाला ऑप्शन, आपको कुछ स्टाइल चाहिए तो स्टाइल वाले सेक्शन पे आएंगे, अलग अलग तरीके की स्टाइलिंग है वो आपको मिलेंगी। आपको वीडियोस चाहिए, चार्ट चाहिए, फोल्डर्स चाहिए, पिक्सल्स, पिक्स पे, या अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पर इन्होंने पेन कर रखे हैं। इमोजीज चाहिए, गूगल ड्राइव से कुछ लाना है, जिफी, जिफी एक वेबसाइट होती है जहाँ पर अलग अलग तरीके की GIFs मिलती हैं, आप यहाँ से GIFs पिक कर सकते हैं, जो भी आपको अपने एनिमेशन पर जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं वहाँ पर लगानी है। इंस्टाग्राम से आपको कुछ चाहिए तो इंस्टाग्राम को आप अपने कनेक्ट कर देंगे, सीधे यहाँ से चीज़ें आप ले आएंगे, तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके की चीज़ें, QR कोड्स आपको चाहिए, आप अपना URL डालिए, वो URL का QR कोड अपने आप तुरंत आपको बना के देगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्लॉग ओपन कराया, इसका URL यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, सेलेक्ट कर लीजिए इस पूरी चीज़ को, राइट क्लिक, कॉपी, कैनवा पर मूव करिए, यहाँ पर आइए, राइट क्लिक, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर क्लिकिंग का, तो आपको यहाँ पर आके सिंपली इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिंपली आके इसे टाइप करेंगे, कई बार कॉपी हो गया, इस तरीके से, और कर देंगे जनरेट कोड, तो आपका जो भी URL होगा उस URL के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया, QR कोड बना दिया। तो आप इस QR कोड को भी अपनी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं फिक्स कर सकते हैं, जिससे स्कैन करके उसे दोबारा आसानी से ओपन किया जा सके। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर ला के फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी तब आप ऑप्शन पिक करेंगे पब्लिश एज वेबसाइट, आप इसे वेबसाइट के तौर पर पब्लिश करना चाहते हैं। वेब की स्टाइल क्या होगी, प्रेजेंटेशन होगी माने एक एक करके आएगा, स्क्रॉलिंग माने आदमी स्क्रॉल कर सकेगा, क्लासिक नेविगेशन होगा या फिर स्टैंडर्ड होगा, तो हमने यहाँ पर लगा दिया क्लासिक नेविगेशन। ओपन वेबसाइट, आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगी अकाउंटिंग नाम से, ये रही आपकी वेबसाइट। कंपनी की प्रोफाइल, अवर क्लाइंट, ये सारी चीज़ें, तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ से
देख सकते हैं आपके पास वहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस में अगर आप अपडेट करेंगे तो आप सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये थी आपको टैक्स प्रिपरेशन, जो भी एडिट करना है वो आप यहाँ से सिंपली एडिट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट बड़ी आसानी से बन जाएगी। और वेबसाइट को पब्लिश करना भी ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं, अपने आप वेबसाइट पब्लिश हो गई। हालांकि हम लोग आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम लोग किसी भी वेबसाइट को कितनी आसानी से बना सकते हैं और उसको बिना पैसे खर्च करे पब्लिश भी कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हमारे पास होते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी वेबसाइट को बना भी सकते हैं और उसे पब्लिश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग चीज़ें हमने आज देखी कि प्रेजेंटेशंस, इंस्टाग्राम के पोस्ट, डेस्कटॉप का वॉलपेपर, लोगो, पोस्टर, फ़ोन का वॉलपेपर। फ़ोन के वॉलपेपर में भी आपको कुछ बनी बनाई प्री डिफॉल्ट्स टैम्पलेट्स मिलते हैं, उन टैम्पलेट्स पे आप आके एडिट करके अपने कुछ इस तरीके से जिस भी तरीके का आपको चाहिए आपने पिक किया, जो भी चेंजमेंट करनी है वो चेंजमेंट करके आप इसे अपने बैकग्राउंड का वॉलपेपर बना सकते हैं। नीचे ऑप्शंस आते हैं जूमिंग के, आपको अगर काम करने में समस्या हो रही है तो जूमिंग इधर से लेफ्ट की ओर जाएंगे और राइट की ओर जाएंगे तो जूम आउट। कॉपी बनानी है इनकी तो आप यहाँ से कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, सेलेक्टेड पेज वन, डी सेलेक्ट, तो यहाँ से आप आ जाएंगे डी सेलेक्ट पेज। साइज को मैनेज करना, फुल स्क्रीन में फिक्स कर देना, तो अब आपका कैनवा की जो भी डिज़ाइन होगी वो डिज़ाइन फुल स्क्रीन में आएगी। यहाँ पर नीचे की ओर आपको एक ऑप्शंस मिलेंगे, इन ऑप्शंस को आप यहाँ पर आके एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप यहाँ कर हेल्प की क्वेरी से आके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा एक एप्लीकेशन जिसका नाम है कैनवा। इस कैनवा के एप्लीकेशन पे आप अलग अलग तरीके की ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हैं। अगर इस कैनवा पर एप्लीकेशन पर डाउनलोड करते टाइम, काम करते टाइम आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, सॉफ्टवेयर को रन कराते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग इसे कमेंट वाले सेक्शन में कंप्लीटली पूछ सकते हैं।